मैं सफी सर आप सबका स्वागत करता हूं आपके चैनल आफिया केमिस्ट्री पॉइंट में। आज के वीडियो जो है स्पेशल बिहार बोर्ड क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए है, क्योंकि आज के वीडियो में आप लोग को क्या करने वाले हैं, क्लास 12 केमिस्ट्री के क्वेश्चन बैंक 2015 के 20 प्लस ऐसे वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या किए हैं, सेलेक्ट किए हैं, और वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं 2015 का, जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक 2015 का है, और वही क्वेश्चन 2015 का सेलेक्ट किए हैं जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लुईस अम्ल है। चार ऑप्शन आपका दिया हुआ है, इन चारों में से आपको बतलाना है कि सबसे प्रबल लुईस अम्ल कौन सा है। ए में दिया हुआ है BF3, बी में दिया हुआ है BCl3, और सी में आपका BBr3, और डी में आपका BI3 दिया हुआ है। तो आप सबको मालूम होना चाहिए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी BF3 जो है सबसे प्रबल लुईस अम्ल है। चलिए क्वेश्चन नंबर दो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर दो आपका क्या है, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। यानी ये चारों में से जो है आपको बतलाना है कि कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इन चारों में से कौन नहीं बनाता है। अमोनिया नहीं बनाता है, या जल नहीं बनाता है, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं बनाता है, या हाइड्रोजन फ्लोराइड नहीं बनाता है। ठीक है, इन चारों में से कौन जो है हाइड्रोजन बंधन यानी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। तो याद रखना है NH3 जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, H2O भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, HF भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, यानी HCl जो है, यानी C ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है, यानी ये जो है ना C HCl जो है हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर तीन, हीलियम का मुख्य स्रोत है, यानी हीलियम का जो है ना, हीलियम का संकेत सबको मालूम है क्या होता है, HE होता है, इनकी परमाणु संख्या कितना होता है, दो। ठीक है, और ये जो है शून्य ग्रुप का तत्व है, यानी वर्ग 18 का तत्व है हीलियम। तो हीलियम का मुख्य स्रोत बतलाना है क्या होता है। हवा ए में दिया हुआ है, बी में रेडियम दिया हुआ है, सी में मोनाजाइट दिया हुआ है, डी में आपका जल दिया हुआ है। तो आप सबको मालूम होना चाहिए हीलियम का मुख्य स्रोत जो है मोनाजाइट हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर चार, निम्नलिखित में सबसे कम भाष्मिक है, यानी सबसे कम भाष्मिक कौन है इन चारों में से। ठीक है, ए में आपका NCl3 है, बी में आपका NBr3 है, डी सी में आपका Ni3 है, डी में आपका NF3 है। तो NF3 जो है डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है, यानी सबसे कम भाष्मिक जो है वो आपका NF3 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पांच देख लीजिए। और आज की वीडियो में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को बतला रहे हैं वो सारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक, ठीक है, क्वेश्चन बैंक 2015 का है। ठीक है, और क्वेश्चन बैंक 2015 का वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग को बतला रहे हैं, वो भी आंसर के साथ, जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी क्लास 12 के विद्यार्थी हैं, ठीक है, जो बिहार बोर्ड से हैं, ठीक है, 2025 में जिनका बोर्ड एग्जाम है उनके लिए ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पांच देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर पांच आपका क्या है, और जो हमारे चैनल पे नए हो उन बच्चों से यानी उन बाबू से रिक्वेस्ट है, चैनल को आप लोग फटाफट क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर पांच देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा धातु, यानी इन चारों में से जो है ना कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है। ठीक है, यही तो आपका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये वाला बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है, यानी इन चारों में से कौन सा, चारों धातु, चारों में से कौन सा जो है धातु साधारण तापक्रम पर कौन सा अवस्था में, द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, ZN यानी जिंक ए में दिया हुआ है, HG बी में पारा है, सी में ब्रोमीन है, और डी में आपका जल दिया हुआ है H2O। तो याद रखना, ठीक है, ये तो आपका BR क्या है, अधातु है, ये तो आपका यौगिक है, ZN आपका धातु है, और HG धातु, यही दोनों में से एक राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आप सबको मालूम होना चाहिए ये पारा, जिसको मर्क्यूरी के नाम से जानता है, मर्करी जिसको बोलते हो आप लोग। ठीक है, तो यही धातु जो है साधारण तापक्रम पर
ठीक है, यानी कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाया जाता है पारा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार प्रतियोगिता परीक्षा में भी ये क्वेश्चन जो आया हुआ है और बिहार बोर्ड एग्जाम क्लास 12th के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। H2SO4 है, यानी H2SO4 है, यानी H2SO4 किसका सूत्र है? सल्फ्यूरिक अम्ल का है। तो H2SO4 क्या है? आपका अम्ल है। तो ए ऑप्शन में अम्ल है जो बिल्कुल सही जवाब है। तो आज की वीडियो में आप लोग को क्या कर रहे हैं, आप सबको मालूम है क्वेश्चन बैंक, ठीक है, क्वेश्चन बैंक 2015, ठीक है, क्वेश्चन बैंक 2015 का जो है 20 प्लस ऐसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या किए हैं, सेलेक्ट किए हैं जो आपके बिहार बोर्ड, ठीक है, कौन सा बोर्ड, बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जितने भी क्लास 12th के विद्यार्थी हैं जो बोर्ड एग्जाम 2025 में देने वाले हैं, उनके लिए आज का वीडियो जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर आप लोग कर लेना कंप्लीट, ये सारा क्वेश्चन जो है बाबू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और वही क्वेश्चन आप लोग को बतला रहे हैं जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलिए ज्यादा आप लोग का टाइम नहीं लेंगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। निम्न में हरा तोता कहते हैं, यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ए जो है याद रख लेना, ठीक है, हरा तोता का सूत्र होता है Fe(SO4)×7H2O, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बाबू, कंपटीशन एग्जाम यानी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हरा तोता याद रखना, Fe(SO4)×7H2O, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, ठीक है, किस ग्रुप नहीं किस ब्लॉक, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ठीक है, किस ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, ठीक है, किस ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, तो सर आप लोग को बतलाए होंगे, ठीक है, संक्रमण तत्व जो है डी ब्लॉक के तत्वों को, यानी सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है, यानी डी ब्लॉक के तत्वों को हम लोग संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं या संक्रमण तत्व कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, यूनिट 6 का क्वेश्चन है, ठीक है, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण, ठीक है, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण जो है आप सबको मालूम है फैन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ये भी क्वेश्चन जो है कई बार बिहार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, तो ये सब का ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग को करना क्या है, कंप्लीट करना है। आखिर क्यों? क्योंकि ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है, सोडियम जो है आवर्त सारणी में किस ग्रुप का आपका सदस्य है, तो ग्रुप 1, ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, यानी ग्रुप 1, यानी ग्रुप 1 का जो है सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का, तो ग्रुप 1 का है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है कई बार बिहार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है और ये प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूपरपटी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व, यानी भूपरपटी पर सर्वाधिक पाए, चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आप 12वां क्वेश्चन देख लीजिए, मालाकाइड अयस्क है, तो मालाकाइड अयस्क जो है किसका अयस्क है, तो कॉपर का है, जो बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए कॉपर क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, कॉपर पाराइट का सूत्र है, तो सबको मालूम है कि कॉपर पाराइट का सूत्र होता क्या है, CuFeS2 होता है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, तो जिस ऑप्शन में CuFeS2 को देखोगे वही आपका सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14, एल्यूमिनियम का अयस्क है, तो हेमेटाइट डोलोमाइट ये तो होगा नहीं, तो बॉक्साइड जो है ना वो एल्यूमिनियम का अयस्क है, राइट आंसर ए जो है क्वेश्चन नंबर 13 का है राइट, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बॉक्साइड हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, आपका दिया हुआ है यौगिक, तो ये जो है क्या है, द्विक लवण, जटिल लवण, अम्ल, भस्म, ये आपका जटिल लवण है, यानी बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, एल्किन का सामान्य सूत्र, तो एल्किन का सामान्य सूत्र सबको मालूम है, जिस ऑप्शन में CnH2n देखोगे वही आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए एथेन में कार्बन का संकरण है, तो sp3 होगा, एथेन में कार्बन का संकरण क्या हो जाएगा, sp3। कैल्शियम फॉर्मेट शुष्क श्रवण देता है, तो फॉर्मेल्डिहाइड देता है, जिस ऑप्शन में फॉर्मेल्डिहाइड देखोगे वो राइट हो जाएगा।
एवोगार्डो की संख्या तो 6.023 × 10³ होता है। तो जिस ऑप्शन में आप देखोगे 6.023 × 10³ वो आपका राइट आंसर होगा। इन सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर याद रखना है, आप लोग को क्या कर रहे हैं आंसर डायरेक्ट आप लोग को बतला रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 17, 18, 19। क्वेश्चन नंबर 20, आधुनिक आवर्त सारणी को किसने बनाया? तो हेनरी मोसले ने बनाया। तो जिस ऑप्शन में हेनरी मोसले होगा वो आपका सही जवाब होगा। 21वां, निम्न में कौन क्षारीय भूमिज तत्व है? तो आपका क्या है, सोडियम जो है क्षारीय भूमिज तत्व है। ठीक है, क्षारीय भूमिज तत्व आपका सोडियम हो जाएगा। और 22वां क्वेश्चन है एथाइन में पाई बॉन्ड की, तो एथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या किसको नहीं पता है, दो है, तो ये इसका दो हो जाएगा। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आज की वीडियो में आप लोग को बतलाए हैं। ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक, ठीक है, 2015 का है। और क्वेश्चन बैंक 2015 का 20 प्लस ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग को आंसर के साथ बतलाए हैं जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम, ठीक है, 2025 के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और ऐसे भी आज का वीडियो स्पेशल बिहार बोर्ड क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए है। ठीक है, तो चलिए ज्यादा आप लोग का टाइम नहीं लेंगे। आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जो हमारे चैनल पे नए हो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए धन्यवाद।